राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा हाल ही में जारी किए गए कक्षा पांचवी एवं आठवीं के परीक्षा परिणामों को लेकर परीक्षार्थियों सहित निजी स्कूल संचालकों में असंतोष देखा जा रहा है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने परिणामों को त्रुटिपूर्ण एवं भेदभाव वाला करार देते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। मंगलवार को जिले भर के निजी स्कूल संचालक प्रदेश उपाध्यक्ष लवेश राठौर के नेतृत्व में डीपीसी कार्यालय परिसर में इकट्ठा हुआ। यहां नारेबाजी कर प्रदर्शन आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र के नाम ज्ञापन सौंप कर विद्यार्थियों की कॉपी रीचेकिंग कराने की मांग की। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष उज्जवल अत्रे ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि कक्षा पांचवी और आठवीं के जो परिणाम घोषित किए गए हैं उन अंक सूची में काफी त्रुटियां सामने आ रही है। मूल्यांकन ठीक से नहीं होने के कारण निजी स्कूलों के अधिकतर विद्यार्थियों को फेल बताया गया है। कई विद्यार्थियों के कुछ विषयों में अंक नहीं दर्शाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा आयोजित पांचवी और आठवीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों से असंतोष व्यक्त करते हुए ज्ञापन दिया है। जो परीक्षा परिणाम राज्य शिक्षा केंद्र ने घोषित किए हैं वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। खरगोन जिले की बात करें तो पांचवी में लगभग 11,000 बच्चों को और आठवीं में लगभग 12,000 बच्चों को फेल घोषित कर दिया गया है। कारण क्या है? एक तो राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा सितंबर के माह में ये आदेश जारी हुआ कि बच्चों की पांचवी और आठवीं बोर्ड की परीक्षा होगी। बीच सत्र में ये फैसला लिया जाना न्यायोचित नहीं है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने तब भी मांग की थी कि आप अगले सत्र से परीक्षा आयोजित कर लेना, लेकिन हमारी मांगे नहीं मानी गई और परीक्षा आयोजित हुई। फिर उसके बाद में परीक्षा बीच में एक पेपर लीक भी हो गया। वो लीक किस वजह से हुआ ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारे बच्चों को दोबारा परीक्षा देना पड़ी उस विषय की। साथ ही साथ अभी जो बच्चे फेल हुए हैं उनको एक एक नंबर दो दो नंबर से अधिकांश बच्चों को फेल किया गया है, जबकि हम देखते हैं बोर्ड परीक्षाओं में 5 नंबर के कृपांक की व्यवस्था भी होती है, जो व्यवस्था से इन बच्चों को वंचित किया जा रहा है और इस कारण मासूम निराश हैं। जो बच्चे अभी अपनी कापियों को अवलोकन कराना चाहते हैं उनको अवलोकन कराने के लिए वहाँ जाना होगा जहाँ पर परीक्षा केंद्र है, जहाँ मूल्यांकन हुआ है उनका। तो ये मूल्यांकन कहाँ हुआ और वहाँ जाएंगे, इसमें कितना खर्च आएगा ये हम सोच सकते हैं। तो ये कोई सरल प्रक्रिया नहीं है। आज इन्हीं विषयों को लेकर के हमने शासन से मांग की है कि बच्चों के साथ में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए उनके लिए और कोई ऐसा फैसला लिया जाए जो छात्र हित में हो, निजी स्कूलों के साथ में भेदभाव न हो और हम सभी जो हैं निजी स्कूल जितने भी हैं पूरे प्रदेश भर के वो शासन को सहयोग कर रहे हैं शिक्षा के प्रसार प्रचार हेतु। लेकिन आज जो परीक्षा परिणाम आए हैं वो निश्चित रूप से चिंताजनक है और इससे पांचवी और आठवीं के छोटे छोटे मासूम बच्चे बड़े निराश हुए हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर लवेश राठौर, प्रदेश सचिव प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।